नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्री के बारे में जिसको आपने कभी देखा सोचा भी नहीं होगा, जिसका नाम है फ्रूट सैलड ट्री। ये फ्रूट सैलड ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें एक ट्री में नियरली 6 to 8 वराइटीज ऑफ फ्रूट उसमें पाए जाते हैं। और ये ओरिजिनली पाया जाता था ऑस्ट्रेलिया में, बट नावडेज ये कई सारी कंट्रीज में पाया जाता है। जैसे कि आपने सैलड देखा होगा जो हम लोग खाने के साथ खाते हैं, जिसमें कई सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जिससे कि हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल सके। सो ऐसा ही होता है ये फ्रूट सैलड ट्री, इसमें कई सारे फ्रूट्स होते हैं एक ही ट्री पर। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे होता है, मतलब एक ही ट्री में इतने सारे फ्रूट्स कैसे आ जाते हैं। ऐसा ग्राफ्टिंग के जरिए किया जाता है, जैसा कि 2 different प्लांट्स के जो टिश्यूज हों उनकी जो स्टेम हो उसको कंबाइन करके उसको ज्वाइन करके कुछ दिनों के बाद वो उसी का पार्ट बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास घर में एक छोटा सा पौधा है, उसमें अगर आप किसी दूसरे पौधे का सिमिलर जो स्पीसीज का हो उसको अगर आप थोड़ा सा काट के उसमें लगा देंगे और उसको आप धागे से किसी चीज से उसको ऐसे कर देंगे टाइट बांध देंगे तो कुछ दिनों के बाद वो उसी का हिस्सा बन जाएगा। अगर आप उसको खोल देंगे तब भी वो बाहर नहीं गिरेगा। सो ग्राफ्टिंग के जरिए ये कई सारे प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं, जो स्टेम होती हैं, उनको कंबाइन किया जाता है इन वन ट्री। और इस हाइब्रिड मॉडल के थ्रू प्रोसेस में हम एक ऐसा पेड़ बना लेते हैं जिसमें एक ही पेड़ में कई सारे फल आते हैं। और अगर आपको बताऊं तो ये टोटल 4 स्पीसीज के पाए जाते हैं फ्रूट सैलड ट्री, जिसमें से पहला है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट के इस छोटे से फ्रूट सैलड ट्री में आपको एक ही पेड़ में मिलता है लेमन्स, लाइम्स, मंडेरियंस, ऑरेंजेस, टैंगलोज, ग्रेप फ्रूट्स और लेमनेड्स। ये सारे के सारे फ्रूट आपको एक ही पेड़ में मिल जाते हैं। जो सेकेंड स्पीसीज है वो है स्टोन फ्रूट की। जो स्टोन फ्रूट का फ्रूट सैलड ट्री होता है उसमें आपको एक ही ट्री में पीचेस मिलते हैं, प्लम्स मिलते हैं, नेक्टेरियंस मिलते हैं, एप्रिकॉट्स मिलते हैं और पीच कॉट्स मिलते हैं। जो थर्ड स्पीसीज है वो है मल्टी एप्पल्स की। इसमें जो एप्पल्स हैं ये कई सारे कलर के पाए जाते हैं इन वन ट्री, जैसे कि ग्रीन एप्पल हो गया, रेड एप्पल हो गया, ऐसे ही डिफरेंट कलर्स के जो एप्पल हैं वो पाए जाते हैं बाय ग्राफ्टिंग और अ सिंगल ट्री। जो फोर्थ स्पीसीज है वो है मल्टी नाशी की। मल्टी नाशी जो है ये फ्रूट सैलड ट्री की एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें बहुत सारी वेराइटीज की एशियन पियर्स पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको लेमन के ट्री पर ऑरेंजेस भी मिल रहे हैं, और ये ऐसा ट्री है जिसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये आप एक छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं और आप इसको बैकयार्ड में भी अपने घर के लगा सकते हैं। अगर बहुत ही छोटी जगह है वहाँ पर भी आप इस ट्री को लगा सकते हैं। और जो मेन बात है कि जो ये ट्री होता है इसमें जो फल होते हैं उनका अपना फ्लेवर ज़्यादा नहीं है, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स रहती है लेमन का जो टेस्ट है वो लेमन जैसा रहेगा और ऑरेंजेस का जो टेस्ट है वो ऑरेंजेस जैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो एक ट्री पे हैं तो उनके जो फीचर्स हैं मिक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उनके फ्लेवर, उनका करेक्टरिस्टिक्स, उनका अपीयरेंस, उनका राइपनिंग टाइम, ये सब का सब उनका खुद का रहता है, वो मिक्स नहीं होता। और जो ये फ्रूट सैलड ट्री है ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये किसी भी क्लाइमेट में इसको लगा सकते हैं, किसी भी क्लाइमेट में ये उग जाता है, ये फेल नहीं होता। और इसमें अगर आपको फल चाहिए तो नियरली आपको 15 मंथ्स के अराउंड वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज ये भी अपना टाइम लेता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये फ्रूट सैलड ट्री का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। थैंक्स टू ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने इसको ओरिजिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया में 2 कपल्स थे, जस्ट डोंट रिमेंबर दियर नेम, बट ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि एक छोटे से पेड़ पे इतने अच्छे अच्छे फल, कई सारी वैरायटीज के, ये बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित रहूंगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके और भी दोस्त हैं आप उनको ये इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।